मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एमपी के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बात की। एक घंटे तक चली बातचीत में दोनों नेताओं के बीच कोरोना संकट को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एमपी सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की माने तो उज्जैन में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर केंद्र सरकार ज्यादा गंभीर है। आज ये मध्य प्रदेश के साथ बातचीत की है, उधर से वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी भी थे और जिस प्रकार से वहाँ पर करीब ये 17% जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो रेड जोन के अंदर हैं, लगभग 37% जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के वो ऑरेंज जोन में हैं और करीब 44% जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो हमारे ग्रीन जोन में हैं। तो जो विशेष रूप से प्रभावित इलाके हैं जैसे इंदौर है, भोपाल उसके वजह से हुआ, उज्जैन है, इस तरह से देवास है, ये सारे इलाके और कुछ इलाके जहां विशेष रूप से मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, उन सब के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट को भी और ज़्यादा प्रोएक्टिवली एग्रेसिवली मध्य प्रदेश में और विशेष रूप से उज्जैन में काम करने के लिए कहा गया है। सारे जो वहाँ पर प्रोग्रेस है उसके बारे में विस्तार से डिस्कशन हुआ है और कोविड के अलावा जो नॉन कोविड के जो रोग हैं जैसे टीबी का हमारा प्रोग्राम है, हमारा मैटरनल चाइल्ड हेल्थ का प्रोग्राम है, इम्यूनाइजेशन के हमारे प्रोग्राम्स हैं, डायलिसिस के प्रोग्राम है, दूसरे जो फील्ड के अंदर पहले स्क्रीनिंग वगैरह होती थी हाइपरटेंशन डायबिटीज़, तो कोई दूसरे प्रोग्राम किसी भी कारण से प्रभावित ना हो उसके बारे में भी सरकार का ध्यान आकृष्ट हमने किया है। ये भी उनको कहा है कि जो अनअफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे 44% जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो ग्रीन जोन में है, जहाँ एक तरफ रेड जोन में काम करने की आवश्यकता है वहाँ ग्रीन जोन को प्रोटेक्ट करने की भी आवश्यकता है। इसलिए सारे देश में हम एग्रेसिवली ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में ILI यानी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या सारी के केसेस जो होते हैं सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, इनकी भी हम लोग जो है सर्वेलेंस कर रहे हैं, इनकी भी केसेस की ढूंढ ढूंढ के अस्पतालों के अंदर इनडोर में भी और OPD में भी इन केसेस की हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं ढूंढकर, ताकि कहीं पर भी ये गलतफहमी ना हो कि हमारा हम ग्रीन समझते हैं लेकिन वहाँ केसेस तो नहीं है। तो ये काम सभी स्टेट्स में हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, कई स्टेट्स इसके अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत इसको अग्रेसिवली कर रहे हैं। तो हम भी अपनी तरफ से आग्रह पूर्वक एक तरफ रेड जोन में चिंता, दूसरी तरफ ग्रीन जोन ऑरेंज या रेड ना हो जाए इसकी चिंता। तो बहुत अच्छी मीटिंग हुई है और हम पूरी तरह से केंद्र सरकार की तरफ से जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको सहायता करने के लिए, उसकी हैंड होल्डिंग के लिए अपनी सेंट्रल टीम्स भेजने के लिए उज्जैन के लिए उन्होंने विशेष रूप से और ज़्यादा आज कहा, तो अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की टीम्स वहाँ पर जो है जाकर और ज़्यादा काम करेंगी। तो बहुत उपयोगी मीटिंग रही है और हमें पूरा विश्वास है कि इन सब प्रयासों से केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स के साझा जो प्रयास हैं इनसे निश्चित रूप से आने वाले समय में कोविड पर विजय प्राप्त करने में हमें सफलता मिलेगी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी तक लगभग 3,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में इंदौर, भोपाल और उज्जैन की स्थिति ज्यादा गंभीर है। हालांकि राज्य सरकार अपनी तरफ से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मुस्तैदी से जुटी है, जिसका असर भी अब दिखने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।